हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है रिगार्डिंग अर्निंग मनी, हाउ टू अर्न मनी इन दिस कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। भैया ऐसा कोई जरिया बता दो जिससे हम जो है पैसे कमा सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे हम पैसे आसानी से कमा सकें, जस्ट लाइक हमारा सारा बुक्स वगैरह हम आसानी से परचेज कर सकें, आसानी से जस्ट लाइक रेस्टोरेंट वगैरह में जा सकें, हम इतना पैसा कमा ले कॉलेज में एक महीने के अंदर पढ़ाई के साथ साथ। ऐसा कोई आइडिया है? तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई यूट्यूब ऐसा कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। पहले मैं आपको सिंपल जरिया बता रहा हूँ कि पैसा होता क्या है, रियल में कैसे कमाया जाता है, ठीक है। तो यार, पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको ना अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी इवेल्युएशन क्या है। तो आप जैसे ही पहचानेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरी स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, मेरी इवेल्युएशन जीरो है, ठीक है। और एक बिगनर अगर किसी भी फील्ड में जाता है तो उसको कोई भी सैलरी नहीं देता, सभी को पता है, ठीक है। कोई नहीं देता, जीरो। बिगनर की वैल्यू जीरो है, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ। सैलरी किसकी है? सैलरी है स्मार्ट पोजीशन की, ठीक है। अगर अभी प्रेजेंट टाइम दिस सिचुएशन इस जनरेशन के अंदर अगर आप स्मार्ट नहीं है, अगर आप कहीं पे जाके अगर बोलते नहीं है, ठीक है, अगर आप अपने दोस्तों से नहीं बात करते, कॉलेज में नहीं बात करते, इट्स ओके, ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर आप बोल सकते हैं, ठीक है, अगर आप कहीं जाके स्पीच दे सकते हैं, ठीक है, आप कॉन्फ्रेंस के अंदर बोल सकते हैं, तो इट्स रियली गुड, ठीक है। आप अपने दोस्तों से बात नहीं करते, आप अपने कॉलेज में ज्यादा नहीं बोलते, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखते हैं आज का मेरा मेन जो लेसन क्या है। मेन लेसन ये है कि इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। आपको कॉलेज के अंदर खूब फिजिक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन वो फिजिक्स तुम्हारे किसी लाइफ के अंदर वैसे कुछ काम नहीं आता। उसका मेन मकसद यही होता है कि तुम लोग लिख सकते हो, बस कॉपी भर के आ सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए, तुम्हारी जो भी प्रोफाइल्स है, तुम्हारा मेन मोटिव है इंटर्नशिप, ठीक है। तो इंटर्नशिप ऐसे तुम्हें कुछ देगा नहीं, कोई भी कंपनी नहीं देगी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल को एकदम तगड़ा बनाना है, ठीक है, एकदम तगड़ा बनाना। अब ये क्या बता रहे हो भैया, लिंक्डइन से क्या होता है, ठीक है। कौन यूट्यूबर पागल है, क्या बोल रहा है, छोड़ो इस चैनल को, बंद करो यार वीडियो को, दूसरा देखते। अगर ऐसा तुम अगर सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। मेरे को एटलीस्ट 1700 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और 1000 साल मैंने स्टडी किया अभी, 1000 साल तो मैं जी चुका हूँ बड़ा होके यहाँ पे, ठीक है। इस इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, अर्थ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, देखो इंडिया में जो भी चल रहा है ना, ठीक है, आपको क्या करना है, न्यूज को ट्रैक नहीं करना है। कम ऑन, सुनो मेरे बात, न्यूज जो होता है उसको आपको ट्रैक नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। आपको ट्रैक करना है ट्रेंड को, ठीक, आपको न्यूज को ट्रैक नहीं करना है, ठीक है, न्यूज को नहीं ट्रैक करना है। आपको किसको ट्रैक करना है, ट्रेंड को ट्रैक करना है, अभी क्या चल रहा है, अभी जो चल रहा है ना उसको आप, पैसा उसके अंदर ही है, ठीक है, ट्रेंड के अंदर। तो आपको ट्रेंड को ट्रैक करना है, ठीक है। न्यूज को आप छोड़ दो, न्यूज में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उसको आप बिल्कुल छोड़ दो कि न्यूज में क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे ही आपने ट्रेंड पकड़ा, आपकी वैल्यूएशन $10 बिलियन बढ़ गई, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन यही है कि सबसे ज्यादा पैसा है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब डिजिटल मार्केटिंग करना कोई आसान काम नहीं है आपके लिए, आप एक बिगिनर हो, आपके एक स्टूडेंट हो। तो आपको मैं पहला ऑप्शन उस कंडीशन के अंदर सजेस्ट करूंगा जब आपकी पेरेंट्स, कोई आसपास में कोई बड़ा ऑफिस हो, बड़ी कोई इंडस्ट्री हो, तब आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ सकते हैं। अब हम क्या करें कि हमें पैसे मिल सके, आप लोगों के पास ऑप्शन बचता है यूट्यूब चैनल का, ठीक है। अब यूट्यूब के अंदर ये भी कोई आसान काम है क्या भैया, 4000 घंटे, 1000 सब्सक्राइबर,
और उसके बीच में कितने लोग क्या क्या कहेंगे, अह वीडियो बना रहा है, आपके ऊपर कितने मजाक बनाए जाएंगे, क्या क्या तक नहीं किया जाएगा। तो क्या यूट्यूब पॉसिबल है? वैसे तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कि भैया ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, इंडस्ट्रीज है, आप वहाँ पे काम कर सकते हो, आप ऑपरेटर पे काम कर सकते हो, आप वहाँ पे कर सकते हो, आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, राइट, पढ़ा सकते हो। तो आपको बेसिकली मैं आपको एक सिंपल फंडा बता रहा हूँ। आपको अपना जो भी टूटा फूटा आपके पास मोबाइल है, मोबाइल लो, जो भी आपको आ रहा है शूट करो। ठीक है, जो भी आपको आ रहा है शूट करो, जो भी आपको आ रहा है शूट करो, एक कमांड उठाओ, जो भी आपको आ रहा है शूट करो। ठीक है, जो भी आपको आ रहा है यूट्यूब पे डाल दो, जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ लिंक्डइन पे डाल दो। ठीक है, बता रहा हूँ, 6 महीने के बाद इस यूट्यूब पे कमेंट कर देना थैंक यू। ठीक है, जो भी आपको आ रहा है शूट करो, जो भी तुमको आ रहा है शूट करो, यूट्यूब पे डाल दो। ठीक है, यूट्यूब पे टाइम उतना ही देना है जितना आपके पास फ्री अवेलेबल हो, तुम्हारे स्टडी का टाइम बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यूट्यूब पे बता रहा हूँ, इंडिया का जितना भी रिचेस्ट पीपुल है आज सारा का सारा यूट्यूब पे है, जितना इंडिया का सारा कमाल का टीचर है सारा का सारा यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, जितने भी बिलीनियर है यूट्यूब पे आज अवेलेबल है। यूट्यूब इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, न्यूज को मत ट्रैक करिए, ट्रेंड को ट्रैक करिए। यूट्यूब आपका एक बड़ा इनकम सोर्स हो सकता है जो कि लास्ट तक चल सकता है। यूट्यूब आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे अगर आप सो भी रहे हो तब भी आपका पैसा आता रहेगा, जब आप बीमार भी हो जाओगे ना तभी भी आपका पैसा आता रहेगा, जब आप काम नहीं करोगे ना तभी भी आपका पैसा आता रहेगा। ठीक है, तो ये एक पैसिव इनकम आपका हो सकता है, तो यू कैन चूज नाउ, आई फुली रिकमेंडेड फॉर यू, यूट्यूब एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो भी आ रहा है यार जरूर से इसके ऊपर डालिए और इसके ऊपर इन्वेस्ट करिए, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और आप इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा कोई बड़ा मौका होता नहीं है। तो यार एक मेरे लिए, मेरे पास एक आपके लोगों के लिए ऑप्शन था यूट्यूब का, और आप लोगों को जानना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ इवेल्युएशन आपको पता है कुछ नहीं है, आप एक बिगिनर है, बिगिनर का कुछ नहीं बटने वाला। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जिस भी फील्ड में स्मार्ट रहिए, लोगों से बोलना सीखिए। ठीक है, लोगों उल्लू लोगों की तरह मत बोलिए, स्मार्ट लोगों की तरह बोलिए। जब आप जाए ना तो आपका ददबा होना चाहिए कि वाह क्या लोग यार, यस दिस इज मैन। ठीक है, तो इट्स रिवेल्युएशन, ये एक सच्चाई है जो कि आपको जाननी चाहिए इस अर्थ की, इस वर्ल्ड की। ठीक है, जो भी लोग नॉर्मल जीवन लाइफ जी रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, आपके घर पे भी कोई इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, आपकी पैसिव इनकम है, आपका नाम है डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तब आपको सभी सलाम करेंगे। ठीक है, सभी आएंगे, हेलो 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 हेलो। ठीक है, वरना आपको कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो ये एक आज का वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी दूसरों की मदद करेगा तो आप इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है। ठीक है, ओके, और यार डिजिटल मार्केटिंग इज रियली ऑसम, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, यूट्यूब चैनल कर सकते हो। ब्लॉगिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा झंझट आता है इसलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, कितनी ज़्यादा डोमेन लेनी पड़ती है, पोस्टिंग करनी पड़ती है, कंटेंट लाना पड़ता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, गूगल जो है लिस्टेड नहीं करता। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि ब्लॉगिंग से लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, आपने कोर्स भी लिया होगा, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है जिसके अंदर कुछ भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना वो है यूट्यूब चैनल। लेकिन अर्निंग के सोर्स तो बहुत ज़्यादा, शेयर मार्केट है, डिजिटल मार्केट है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर पैसा लगाना पड़ता है और वो आपके पास बिल्कुल है नहीं क्योंकि आप बिगिनर हैं, बिगिनर की कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।